को बोलता हूँ कि आप लोग इंडिपेंडेंट अपने जीवन को चलाने की कोशिश करो, हम आपके सूत्रधार हो सकते हैं, बट आपकी किस्मत नहीं, किस्मत तो खुद से ही आपको लिखना पड़ेगी। और आज सोनू ने ऐसा किया तो इस बात की खुशी है कि मेरे साथ आज दो चार साल से हैं सोनू, और इन्होंने बोला कि भैया मैं चाहता हूँ कुछ अलग करना, तो मैं बोला कि बिल्कुल आप करिए, अगर आप कर सकते हैं तो बिल्कुल करिए, तो इन्होंने किया भी और अच्छा लग रहा है इस ऑफिस में आके। और मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं, तो हम रेगुलर जो सबके साथ में जो मैं रहता हूँ, वो रेगुलर लोग मेरे साथ सारे हमारे आशीष भाई, कवि जी, नीलकमल, सोनू, अंशु, राहुल, आपके दोनों बिक्की, यादव राज, कुंदन, ओम झा जी हैं, तो बहुत सारे लोग, और हमारे राइटर नहीं, ये हमारे गार्जियन हैं, और इनके कलम से हर आदमी का कहीं ना कहीं एक विकास हुआ है। और जब से मैं आया हूँ मुंबई शहर में, इनका योगदान और प्यार हमेशा मुझे पिता की तरह मिला है, तो बस आजीवन यही चाहता हूँ कि बस काम करना नहीं करना वो अलग मैटर हो गया, सिचुएशन क्या आएगा नहीं आएगा वो बात की चीज़ है, बट हमारे रिलेशन जो है एक पिता और पुत्र का, वो हमेशा आजीवन, और पिता हमेशा पॉजिटिव ही होता है, हम बच्चे ही बिगड़ जाते हैं, तो इनके अंदर से मुझे नहीं लगता कि कभी हमारे प्रति कमी नज़र आएगी। हम लोग खुद को इतना बड़ा बना लेते हैं कि हमें लगता है कि सामने वाला बहुत छोटा है, तो हमारी वो भूल है, नहीं तो गार्जियन हर आदमी का कहीं ना कहीं ईश्वर की तरह होता है, और उनका प्यार ही और इनका आशीर्वाद ही हमें यहाँ तक पहुँचाता है। तो हम बच्चों को भी एक बार ज़रूर सोचना चाहिए कि हमारा गार्जियन जो है वो हर वक्त हमारे बारे में ही सोचता है, हम भले उसके बारे में सोचें या ना सोचें, बट हमारा गार्जियन कभी अपने बच्चों का भलाई ही सोचता है, बुरा कभी नहीं चाहता। तो विक्की भी बाज बहुत ऊपर है, आज यूट्यूब का किंग है, तो ईश्वर से दुआ है हमारी कि सोनू भी ऐसा ही बने रहे। और एक गाना हमारे आशीष भाई का है जो कि भोजपुरी का बहुत बड़ा रिकॉर्ड तोड़ा है, तो इस बात की खुशी होती है कि भाई बनारस में थे, तो मैं बोला था कि भाई आपकी जगह बनारस नहीं यहाँ है, लेकिन बनारस ने ही इनको पहचान दी है, तो बनारस पहले है, मुंबई बाद में, क्योंकि ये बनारस के पुत्र हैं, और बनारस रह के इन्होंने बहुत सारे गाने मेरे को हिट दिया है, और यहाँ आने के बाद ठीक है से लेके सैया सुताला कोरा में भरता रही है होली के बाद, बहुत सारे गाने जो हैं जोशी जी का बनाया हुआ बहुत बड़ा हिट है मेरे पास। तो आज एक और ऑफिस खुला जो मेरे भाई का है, एक ऑफिस विक्की का खुला था, एक आशीष वर्मा जी का खुला था, आज एक और ऑफिस खुला, तो मैं चाहता हूँ मेरे साथ जितने लोग रहने वाले हैं सबका एक इंडिपेंडेंट अपना व्यवस्था हो, इंडिपेंडेंट अपना काम करें और अपने जीवन को और आगे चलाएं। तो आप आशीष इधर आ जाइए, इधर आइए, अरे बाबा आप इधर आइए, ओम जी आ भाई, अच्छा हमें यहाँ आ जाता नहीं, तो ये है ऑफिस, और ये अपना ऑफिस है, तो कहीं ना कहीं अपनी खुशबू मिलती है, और इनको ढेर सारी शुभकामना कि भोजपुरी का पहला रिकॉर्ड बनाने के लिए, कि इतना बड़ा रिकॉर्ड अभी तक भोजपुरी का नहीं बना था। तो अगर कोई भी चीज़ें हो, कौन गया है नहीं गया है उससे मतलब नहीं है, लेकिन हमारे भोजपुरी का अगर रिकॉर्ड बनता है ना, तो खुशी हम लोग सबको होना चाहिए, क्योंकि हमारे भोजपुरी का रिकॉर्ड बना है, तो भोजपुरी समाज हमारी है, भोजपुरी हमारा है, तो हमें अगर भोजपुरी बढ़ता है तो गायक चाहे कोई भी हो, हीरो का चाहे कोई भी हो, बट अगर बढ़ता है तो आदमी को उसको कहीं ना कहीं ऊर्जावान बनाना चाहिए और उसके हौसले को बुलंद करना चाहिए, ताकि हर आदमी अच्छा काम करने की कोशिश करे। तो आज बड़ी खुशी हुई कि अपने घर का बच्चा, अपने घर परिवार का लड़का आज मुंबई शहर में रह के किसी के साथ काम करके और खुद का इंडिपेंडेंट अपना एक वजूद बनाया, अपनी स्थितियाँ बिखेरी है दुनिया के नज़र में कि मेरी स्थितियाँ है, ये मेरी मौजूदगी को पेश किया अपने दुनिया के नज़र में, तो वो बड़ी बात होती है किसी के लिए कि आप कितना कैपेबल हो अपने काम के लिए, कितना ईमानदार हो अपने जीवन के लिए। तो हर आदमी को मैं यही कहूँगा कि आप कहीं भी रहिए, बट अपना एक वजूद बना के रखिए, ताकि आपको अपने नाम से दुनिया जाने, हो सकता है कि खेसारी आज आपके साथ है कल नहीं भी हो सकता है, तो आपका अपना कैपेबिलिटी रहेगी, आपकी अपनी ऊर्जावान चीज़ें रहेगी और आपकी ईमानदारी रहेगी, तो शायद दुनिया में आपसे बड़ा कोई नहीं हो सकता। बट आप जहाँ भी रहें ईमानदारी से रहें, चाहे जिसके साथ रहें ईमानदारी बरतिए और ईमानदारी के साथ चलाइएगा, तो शायद आने वाले समय में जो चीज़ों से आप दूर हुए हैं वो चीज़ें हमेशा आपको कामयाब बनाएगी, अगर उसके हाथ में वो चीज़ें हैं तो, बट आपको मेहनत करना पड़ेगा।
तो आपकी मेहनत ही आपको आगे बढ़ाती है। और सोनू ने आज दिखाया कि हाँ भैया मैं खुद से कर सकता हूँ चीज़ों को, तो मुझे लगा कि नहीं बेटा करो, क्योंकि मैं अपने लोगों को हमेशा बढ़ाने की कोशिश करता हूँ जो मेरे बस में होती है। ये नहीं कि अगर ये सिंगर है तो मैं इसका काट दूँ यार, इसका नाम मिटाने की कोशिश करूँ। कोशिश यही रहती है कि अपने साथ जितने भी भोजपुरी से लोग जुड़े हैं, भोजपुरी समाज के लोग, वो आगे बढ़ेंगे तो शायद हमारा भोजपुरी समाज आगे बढ़ेगा। और समाज के साथ हैं हम, समाज से दूर नहीं हैं, क्योंकि समाज ने अगर मेरी उपलब्धि दी है और समाज मुझे इतना मोहब्बत किया है तो हर आदमी को मोहब्बत करेगा, बशर्ते ईमानदारी आपको अपने काम में होनी चाहिए। तो अच्छा लगा, थैंक यू सोनू, और दिल से थैंक यू आपको, आपने इतना बड़ा उपलब्धि हासिल की। ये ऑफिस है, इतनी बड़ी उपलब्धि नहीं है, लेकिन यहाँ रह के जो उपलब्धि आपको हासिल करना है बस उस पर फोकस करना है, तो उस पर ध्यान दीजिएगा। ऑफिस तो डेली कोई खोल सकता है, बट इस ऑफिस से आपको अब ऐसे 10 ऑफिस बनाने की काम करना है कि हम ऐसा 10 ऑफिस हमारा काम चले और ऐसा हम 10 ऑफिस बना लें। थैंक यू दिल से। सबसे पहले तो मैं बड़े भैया का सादर आभार प्रकट करूंगा, क्योंकि बड़े भैया ने ही मुझे बनारस से मुंबई बुलाया 2:30 बजे रात को। फ़ोन करके सोनू जी ने फ़ोन किया कि भैया आपसे बात करना चाहते हैं, आपका बड़ा अच्छा काम है, भैया प्रशंसा करते हैं। और हम लोगों ने आया, और हम लोग आकर के ही सबसे पहले बता रहे हैं होली के बाद जो गाना सुपर डुपर ब्लास्ट हुआ था भैया के साथ, हम लोगों ने किया। और उस समय से लेकर अब तक जितने भी गाने हिट हुए, चाहे किसी के भी हों, चाहे भैया के हों, चाहे किसी और सिंगर के हों, भैया का हमेशा प्रोत्साहन मिलता रहता है। भैया यही कहते हैं, बेटा जो भी हो अच्छा करो, बस इंडस्ट्री का नाम रोशन हो और तुम्हारा नाम रोशन हो, तुम्हारे गांव का, तुम्हारे माँ बाप का नाम रोशन हो, और तुम्हारी जो विधा है, जो तुम म्यूज़िक करते हो या जो तुम जो भी काम करते हो उसमें तुम आगे रहो, सबसे आगे रहो। मेरा दिल से आशीर्वाद है। तो इस बात के लिए भैया हमेशा सबको यही कहते हैं, हम ही नहीं, सारे लोग, जितने भी लोग भैया से जुड़े हैं सारे लोगों को भैया यही बोलते हैं। और हमारे गुरुदेव श्री प्यारे लाल कवि जी का भी तो आशीर्वाद हमेशा, हम लोग बनारस से ही जुड़े हुए हैं, मिलता रहता है और हमेशा एक बेटे की तरह ही मिलता है। जैसा कि भैया ने बताया कि हमारे पिता समान हैं, तो वाकई में हम कलाकारों के ये एक पिता समान ही हैं, पिता ही हैं। बड़े भैया ओम झा जी भी हैं, उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम लोगों को काफ़ी काम, हम लोगों ने काफ़ी गाने हम लोगों ने साथ में किए भैया के। और एक ऐसी भावना नहीं रहती इस टीम में कि चार राइटर हैं, चार म्यूजिक डायरेक्टर हैं, तो कोई आपसी मतभेद हो या कोई कंपटीशन हो, एक टीम बन करके सारे लोग काम करते हैं। और जिसका रिजल्ट मार्केट में है, आज खेसारी लाल जी ट्रेंडिंग स्टार कहे जाते हैं, लाखों लोगों के आइकन हैं, यूट्यूब सर्चिंग में, गूगल सर्चिंग में तीसरे चौथे नंबर पर एक स्थान होना, ये हम लोगों के लिए बहुत फख्र की बात है। भैया ने तो उतना मेहनत किया है तो इनका तो बनता है, लेकिन हम लोग इनके साथ हैं तो ये हम लोगों के लिए फख्र की बात है, ज़्यादा नहीं बोलूँगा। सर्वप्रथम भोजपुरी के दर्शक श्रोता बंधुओं को प्रणाम करते हुए मैं सर्वप्रथम धन्यवाद देना चाहूँगा सोनू को, क्योंकि इन्होंने एक आज ऑफिस का उद्घाटन किया। ऑफिस क्या है? दफ्तर। दफ्तर क्या है? आदमी के सोच का एक कर्म केंद्र है, जहाँ से आदमी अपने काम को केंद्रित करके प्रसारित कर सकता है। और दूसरी बात, सबसे खुशी की बात है कि अगर फीता कटवाया तो भाई भी बोलेंगे, बच्चा भी बोलेंगे। खेसारी लाल यादव, उनको सुपरस्टार कहना, गायक कहना, ये हम क्या कहेंगे, आप लोग खुद कहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि 33 करोड़ भोजपुरी भाषी लोग अगर चाहते हैं खेसारी लाल के, तो खेसारी लाल ने फीता काटा तो समझिए कि 33 करोड़ लोगों ने फीता काटा। क्या बात है। और मेहनत का दूसरा नाम, एक मेहनत का दूसरा नाम खेसारी है, और तीसरा नाम सोनू पांडे का इसलिए आता है कि ये पौधा खेसारी लाल के ही बगीचे से निकला है। और दूसरी बात, यहाँ पर खेसारी लाल व्यक्तित्व ऐसा है कि आलसी व्यक्ति भी आकर के यहाँ मेहनती हो जाता है। आज छोटे छोटे बच्चे, नए नए किरणें आ रही हैं, गीतकार के रूप में आ रही हैं, गायककार के रूप में आ रही हैं, संगीतकार के रूप में आ रहे हैं, तो खेसारी लाल एक मेहनत का प्रतिफल है। ऊर्जावान जो ऊर्जा देता है, खुद जगता और जगाता है, तो आज उसी मेहनत का फल है जो सोनू पांडे ने काफी खोला। और यहाँ से पूरे भोजपुरी का विस्तार करने के लिए जो कर्म फल लिया है, हम माँ सरस्वती से और आप दर्शक बंधुओं का आशीर्वाद चाहेंगे कि जैसे हमारे भाई खेसारी लाल यादव
आशीष वर्मा म्यूजिक डायरेक्टर के रूप में अभी अभी तो एक नया फल दिया लड़के ने, एक गाना जिसका गाना बहुत सुपर डुपर हो गया। मैंने एक रात में इनको धन्यवाद दिया कि तुमने गाना लिखा है और लोगों को भा गया, आप कितना हो अच्छा लिख लो अगर लोगों को भाया नहीं तो आपके लिखने का कोई मतलब नहीं, उस कलम का कोई मतलब नहीं, उस कागज़ का कोई मतलब नहीं, भा गया तो सबका मतलब।